स्टूडेंट्स यूनियन क्लब नीमच द्वारा शहर के राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में फुटबॉल स्पर्शा का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता के प्रथम दिन मैच में दो मैच खेले गए, देखें यह खबर। फ्रेंड्स यूनियन फुटबॉल क्लब नीमच द्वारा जिला फुटबॉल संघ से पंजीकृत 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में किया गया। आयोजन सचिव धर्मेंद्र सिंह परिहार एवं अध्यक्ष मनोहर अम्ब ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही है। प्रतिदिन 2-2 टीमों का मैच करवाया जाएगा। प्रारंभ में 2 मैच खेले गए। प्रथम दिन यंग स्टार और फ्रेंड्स यूनियन के मध्य मैच हुआ तथा दूसरा मैच ईगल क्लब और ग्वालटोली के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 7100 रुपए का नगद राशि एवं ट्रॉफी तथा उप विजेता को 4800 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। सबसे पहले इसमें 10 टीमें फुटबॉल की भाग ले रही है और 10 ही टीमें स्थानीय हैं। जैसा कि नीमच शहर की परंपरा है, यहाँ फुटबॉलों का फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लगातार चलते रहते हैं। बाकी जिस तरीके के यहाँ प्लेयर हैं उस तरीके की शहर में ग्राउंड की व्यवस्थाएं नहीं है। मेरी मिसेस वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद हैं। हम नगर पालिका में जब भी मौका मिला एक विशेष सम्मेलन के माध्यम से ये प्रयास करेंगे, एक तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजन हो ताकि यहाँ के प्लेयर उस प्रतिस्पर्धा में भाग लें और नीमच का नाम रोशन करें। ये 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है यहाँ पर। आज 30 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक प्रतियोगिता चलेगी है और इसमें 10 टीमें भाग ले रही है। 9 मैच होंगे, प्रतिदिन 2 मैच होंगे और 4 तारीख को जो लास्ट डे है उस पर एक फाइनल मैच होगा। किनके द्वारा करवाया जा रहा है, कौन सा? ये एक हमने आयोजन समिति बनाई है जिसमें मैं भी हूँ, मनोज जी अम्ब है और इस तरह से हम 5-7 लोग हैं। सब मिलकर एक प्रयास करा है कि नीमच में एक अच्छा फुटबॉल हो, तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया है।